निशांत ने की प्रतीक के खिलाफ प्लानिंग। निशांत देंगे प्रतीक को धोखा। करण के साथ मिलकर बनाया प्लान। प्रतीक और करण में से निशांत ने चुना करण का साथ। आखिरकार क्या है पूरी कहानी, आइए जानते हैं। बिग बॉस 15 के घर में इक्वेशंस बदलते हुए आ रहे नजर, जहां पर बेस्ट फ्रेंड्स निशांत भट्ट और प्रतीक सहजपाल अब एक दूसरे के खिलाफ होते हुए नजर आ रहे हैं। अपने वीरा करण कुंद्रा और अपने बेस्ट फ्रेंड प्रतीक सहजपाल में से निशांत ने चुना है करण का साथ, जहां पर वो खुलेआम कर रहे हैं प्लानिंग कि वो प्रतीक को हर हफ्ते कैप्टनसी टास्क से बाहर करेंगे। वो करण के साथ मिलकर अपनी गेम को खेलेंगे। लेकिन दरअसल ये तो थी इनकी मस्ती, जहाँ पर करण कुंद्रा प्रतीक सहजपाल ये सभी जिम कर रहे थे। वही निशांत कहते हैं प्रतीक के सामने ही कि वो प्रतीक को हर हफ्ते कैप्टनसी टास्क से बाहर करेंगे और करण कुंद्रा का देंगे इस गेम में साथ। अगर करण ने भी नहीं दिया उनका साथ तो वो खाते हैं कसम कि प्रतीक और करण के खिलाफ ही हमेशा वो खड़े होते हुए नजर आएंगे इस पूरे गेम के अंदर। जहाँ पर निशांत प्रतीक से ये भी कहते हैं कि तू तो इस घर में अकेला है, तेरा इकलौता दोस्त सिर्फ मैं हूँ, अब तू सोच ले कि तू आगे की गेम कैसे खेलेगा। वेल, मस्ती मस्ती में इन तीनों के बीच एक खूबसूरत बॉन्ड आया नजर भी। इतना ही नहीं, आखिरकार करण ने निशांत से ये भी पूछ लिया कि तेरे लिए मूस कब आ रही है, क्योंकि सभी OTT के कनेक्शंस एक दूसरे के लिए यहाँ पर घर के अंदर आ रहे हैं। वेल, हाल ही में नेहा भसीन और राकेश बापट की हुई है बिग बॉस 15 के घर के अंदर एंट्री। ये सभी की बॉन्डिंग काफी बदलती हुई आ रही है नजर। अब देखना ये होगा काफी दिलचस्प, क्या गेम में आएगा कभी ऐसा मोड जहाँ पर निशांत भट्ट देंगे प्रतीक सहजपाल को धोखा। वेल, आपका क्या है कहना हमें कॉमेंट कर जरूर बताएं। टेलीविजन की लेटेस्ट न्यूज और गॉसिप के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।